हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं राहुल और स्पोर्ट्स नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में दिखाया था कि टेनिस बैट लेकर आए थे कश्मीरी, तो उस पर जो है टोक नहीं चढ़ा हुआ था। तो टोक कैसे चढ़ाते हैं, इसे चढ़ाने का सही तरीका क्या है, आप घर बैठे इसे बहुत आसानी से चढ़ा सकते हो, तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं इसी तरह की जानकारी यूट्यूब पर लाता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बड़ा बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मेरी आएगी आप सबसे पहले देख लोगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए फ्रेंड्स, बैट आपके बीच आ गया है। देखो सबसे पहले इस पे जो टेप आ रही है वहाँ ऊपर की साइड, इसे हम काट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने काट लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेपिंग हो रही थी थोड़ी सी, वो काट लिया है। अब सबसे पहले हम लेंगे सैंड पेपर, इसकी जो थोड़ी सी यहाँ पर घिसाई कर लेंगे, जो भी इस पर कार्बन या डस्ट आया हुआ है पहले से थोड़ा बहुत, उसे वो दूर हो जाए थोड़ा सा। ये साफ हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। अब लेंगे हम टो। देखिए टो है, इसे भी थोड़ा सा यहां से घिस लेंगे इस तरह से। लट के इस पे जो भी है लगा हुआ छूट जाएगा, साफ हो जाएगा एकदम। देखिए इसे साफ कर लेंगे फ्रेंड। चिपकाने के लिए आ रही है पॉलीग्रिप सिंथेटिक रबड़ एदर साहब, ये 20 ml की आप देख सकते हो। इसमें देखो कैसे क्या क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए सोफ़ा चप्पल बैग इस तरह के रबड़ के जो होते हैं इसे चिपकाने का काम आता है। तो पोली ग्रिप ग्रिप जो है ये हम करेंगे बैट को चिपकाने के यूज़ में, बहुत अच्छी है, यही चलती है इसमें। अगर आपके पास ये ना हो तो आप फेविबॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हो। इसकी MRP मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 17 रुपये है, ये 15 रुपये की मुझे मिली है। अब 15 रुपये की टो तो 30 रुपये में दोनों मुझे मिल गई थी। तो आप कैसे चिपकाते हैं बैट पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले इसे खोलेंगे और स्टॉपर लगाएंगे। इस तरह से लगा देंगे। नीचे रख लेते हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह हम लगा चुके हैं इस पर। ऐसी लगाएंगे हम बैट पर इस जगह। देखिए लग चुकी है इस पर पूरी ग्रिप अच्छी तरह से। अब इसे 1 मिनट ऐसे छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने बस 1 ही मिनट के लिए छोड़ा है। देखो अभी पूरा सूखा भी नहीं है इस तरह से। अब लेंगे बैट। अब बैट पे चढ़ाएंगे, सबसे पहले हम सीधी तरफ से चढ़ाएंगे। ये देखिए ना, तो हमें बीच में लेनी इस तरीके से लेनी है कि पहला जो कोना है बैट का वो जो है एक तरफ पूरा फिनिशिंग से रहे। फ्रेंड्स, हमने बैट थोड़ा ऊपर उठा लिया तो लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो सबसे पहले हम एक तरफ से लेंगे, एक तरफ से पूरी फिनिशिंग लेंगे इसकी। ये लगा दिया, एक तरफ से लेंगे, ऊपर नीचे का ध्यान रखना है। इस तरह से हम चिपका देंगे इसे। और आप हत्ती को जमीन में रख के इस तरीके से दाब लगा सकते हो। फ्रेंड्स, हमने जो है हत्ती नीचे रखकर इस तरह से दाब लगाना है आपको, इस तरह से यूं बस पकड़े रहना है। तो मैंने इस तरीके से 1 मिनट करा है, आप इस तरीके से कर लें।
देखिए फ्रेंड्स, हमने टो इस पर लगा दिए बहुत अच्छी तरह, तो हम 1 से 1.5 घंटे से छोड़ देंगे जिसे सूखने का टाइम मिल जाए, बाद में इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने लगभग 1.5 घंटे बैठ के रखा था, तो देखिए ये सूख चुका है एकदम बढ़िया तरीके से, देख सकते हो। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए चाहिए हमें पेपर कटर। ये पेपर कटर है, देखो ये बड़ा ध्यान से चलाना होता है, इसमें धार होती है बहुत। तो कैसे कटिंग करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो फल द्वारा इस तरीके से काट लेंगे हम। इसकी गोलाई में ही काट लेंगे हम इस तरह से। आराम से करेंगे, हाथ में ना मारे। इस तरह से काट लेंगे। यहाँ भी थोड़ा सा है, बस ज़्यादा नहीं है। और इधर बल्ले का चक्कू से जो है पेपर कटर, बल्ले का सारा ले मैं नीचे, जिससे सपोर्ट में एकदम चलेगा उसकी उसी इसी गोलाई में, इस तरह से। ये देखिए चक्कू को बैठ के गोलाई पे चलना इस तरह से। ये देखो हो गया है। ये देखिए हमारी एकदम बड़े तरीके से टो चढ़ चुकी है, देख सकते हो आप। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉलीग्रिप मैंने उंगली से लगा ली, लेकिन आप उंगली से मत लगाना, आप कोलगेट वाला ब्रश ले लेना, उससे लगा लेना। हम तो जो है थोड़ा केमिकल आता है उसे साफ़ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैट खेलने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। अब इस पर जो टो थी हमने वो चढ़ा ली है, बहुत अच्छी तरह मजबूत भी हो गई है। अब जाके खेलने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ, पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं।